बदकिस्मती की क्या बात है, मैं समझता हूँ उन्होंने अपना नुकसान खुद किया, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। अब निर्मा का ले लेंगे, खलीक रहमान कंवर साहब की एज ए प्रोड्यूसर एज ए राइटर पहली फिल्म थी कर्ज, जिसमें के डायरेक्टर उस्मान मीरजादा साहब थे। कितनी खूबसूरत फिल्म थी और जिस तरह से रोल लिखे थे खलीक रहमान कंवर साहब ने, गुल्लू भाई का रोल बाबर अली साहब का ले लें, जावेद शेख साहब का, फिर निर्मा का जो रोल था, क्या खूबसूरत फिल्म थी, क्या अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद वो चाहती तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन होती, मगर अपनी गलतियों से अपनी कुछ अजीब, बस क्या कहते हैं, ज़हनी तौर पर कुछ कुछ जो पढ़ा लिखा ज़्यादा है, पढ़ ले या बहुत बड़ा एक्टर होता है ना, वो कुछ थोड़ा सा दिमाग की कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो प्रॉब्लम थी उसकी कि वो अपने आप को घर पर बैठा लिया। वो एक फिर खलीक साहब से सीरियल था बहुत बड़ा, सोल से था, उसके लिए वो रोल नहीं करी थी। खलीक साहब ने कहा यार आप समझाओ, फिर मैंने समझाया, मैंने कहा यार निर्मा ये हिंदू का रोल हमेशा हिट हुआ और खलीक साहब ने बहुत अच्छा लिखा, तुम करो। पहले बात उसकी समझ बात आई, हुआ देख लेंगे, बहुत लोगों ने पसंद किया। बाद में फिर उसने कोई ऐसी गलती की जैसे खलीक साहब ने उसको कट किया और फिर सैमा जी को उस रोल में ले गए, तो उसने अपने खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। एक बार कश्मीर साहब से बाजीगर में ताल्लुकात को ख़राब किया उसने, तो अपने डायरेक्टरों से आप खुद ही रिलेशनशिप प्रोड्यूसर से ख़राब करके नुकसान किए। अब लैला ऐसे ही कि लैला सकीता की टीम में, उनकी टीम में दाखिल हो गई, लैला को अभी लाया, इंट्रोड्यूस कराया, आपा के बड़ा सही मारा, आपा के जिस तरह साइन किया संगीता आपा के, मतलब उसने आपा के साथ भी कुछ ऐसी बात हुई जिससे लड़ाई झगड़े भी हुए। फिलहाल वहाँ आप अपने खुद ही अच्छी टीम को खोई ना आप लोगों ने, वरना लैला का जितना खूबसूरत फेस था, जितनी इनोसेंट थी, वो चाहती तो बहुत बड़ी हीरोइन बन सकती थी, मगर अपनी गलतियों से उसने भी अपना फिर कुछ वो कुछ ऐसे केसेस इन्वॉल्व हुए उनके गलती से, उसके भाई की वजह से, महरूम अल्लाह उसको जन्नत नसीब हुई, जिससे वजह से बदनामी भी उन लोगों की। बहरहाल ऐसी हरकतें हुई इन लोगों से, गलतियाँ की जिससे इनका इमेज इन्होंने अपना ख़राब खुद किया है, वरना इंडस्ट्री ने तो सबको चांस दिए थे। हमने जिन जिनको इंट्रोड्यूस कराया है और परवरदिगार के करम है, हमने शेख मार आपा को जिसको कहा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने चांस दिया, वरना मीरा तो सुहेल भट्ट साहब के साथ भी राठौर के साथ गई, उन्होंने नहीं लिया। फिर किस तरह से मैंने आपा को समझाया, किस तरह से मैंने कहा ये आपके लिए बाबर शरीफ बनेगी, और आपा ने साइन किया मेरी खातिर, उन्होंने कहा कि जरा मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, और उन्होंने साइन किया श्रीमार आपा ने चार फिल्मों में। उसके बाद आप पता है फिल्म का वो गाना चला जो सऊद के साथ किया था मिस इस्तंबुल वाला, जो शेख साहब ने देखा तो चीफ साहब ने लिया, मकसद इस तरह से उसको। फिर जिस तरह से हमने शूट कराए हैं, ऐसे ऐसे ग्लैमर वाले शूट थे कि पाकिस्तान की आवाम चाह रही थी कि एक दफ़ा देखे कौन लड़की, और जब चीफ साहब लगी है, क्योंकि चीफ साहब पहले लगी तो उसने उड़ा के रख दिया। बात यह क्या, उसको तो हमने इतना अच्छा पेंट कर दिया, फोटोजेनिक फेस था उसका, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी, मगर अपनी हरकतों से अपने इश्क चक्करों में कभी वो पसंद आ गया साला, कभी कोई पसंद आ गया, अपना बेड़ा गर्क सत्यानाश कर लिया। ऐसे ऐसे चांस मिले हैं, मैं कहा था जैसे समीना भाभी ने जैसे इंतिया में काम कराया, आप देखें ना हिमायूं से जिशांत सिकंदर के बीच में वो कितना बड़ा रोल उसने किया, आप उठा के देखें खिलौना कि शान और सऊद और सैमा का पता नहीं चला उस फिल्म में। मीरा ने जो परफॉर्मेंस संगीता आपा ने जो कराई है, या एहसास ले लें संगीता आपा की ड्रीम कर ले लें, ये फिल्म उठाएं ना आप देखेंगे क्या कुछ काम नहीं किया उसने। फिर अभी लास्ट साकिब मलिक ने जैसा काम कराया उससे, अब वो बदकिस्मती देखे ना, आपको चांस देने मौका आपको मिल रहा, आप फिट हो रहे हैं, फिर आप अपनी हरकतों यानी बदकिस्मती को खुद आप दावत देती हैं और अपना बेड़ा गर्क करा देती है। लोगों ने खुद बेड़ा गर्क कराया यार, इन्हें तो मौके मिले यार, वक्त कितनी दफ़ा चांस देगा। तो वक्त भी कहता बदकिस्मत इंसान, मैंने तो तुझे मौके दिए, चांस दिए, तूने अवेल ही नहीं किया, तो बदकिस्मती क्या इनका रोना रोना है। किसी और के बात करें इन बदकिस्मत और लोगों का ना रोना रोना है, रो रोगे तो खुद रो रही बेचारियाँ, अब इनका क्या रोना रोना है, आप भी रोएंगे मैं भी रोऊंगा, इनको रोने थे बेचारियों को, रो रही हैं। अब नए नए लोग आ रहे हैं, लेकिन ये शो भी जो है ना एक वो फ्रेम है लगा रहता है, इसमें तस्वीरें बदलती रहती हैं, ये आती रहती, कई आई हुई चली गई और पीछे जा रही, लाइन लगी लड़के लड़कियों को भेजो, टी वी में भरा हुआ पड़ा हुआ है, एक से एक लड़का लड़की आ रहे हैं। अब उसको डायरेक्टर के ऊपर है कि वो फिल्म मिली उनसे उनकी सिलेक्शन करेंगे, यार इनमें से कौन सा लड़का लड़की है जो फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर अच्छा लगेगा, जो लगेगा इस फिल्म का एक्टर, वो टीवी का एक्टर ख़त्म कर दे, वो है डायरेक्टर की परफॉर्मेंस के, वो किस लड़के लड़की से ऐसी परफॉर्मेंस करके वो फिल्म का लगे, टीवी का एक्टर ना लगे, बस ये है डायरेक्टर के ऊपर कि वो कौन सा डायरेक्टर होगा, किसमें ऐसी सलाहियतें कि जिस टीवी के। अब जो अभी सईद नूर साहब ने जैसे लिया उस लड़के को, वो बहुत अच्छा लग रहा है, लड़की जन्नत जो टिकटॉक वाली लिए, और वो लगता है कि ये पियर भी नूर साहब की पिक्चर से, तेरे बाजरे की राखी से, ये पियर भी
हीरो हीरोइन का पाकिस्तान को इंडस्ट्री बॉलीवुड को मिल जाएगा नूर साहब की वजह से। अच्छा जनाब साहब, एक हमारी आर्टिस्ट हैं सोनू अली, कभी होती हैं कभी माया सोनू खान हो जाती हैं। अब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आप जब इब्तदा में लेके आए थे, ना वो सोनू अली थी ना वो माया सोनू खान थी, आपने उनका कोई ऐसा नाम रखा था जो बड़ा मुतनाज़े हो गया। अच्छा। और क्या वजह है कि सोनू अली खूबसूरत होने के बावजूद, गुड लुकिंग होने के बावजूद शोबिज़ में वो नाम नहीं कमा सकी जो सोच रहे थे लोग कि भाई ये कमाएंगी? तो ये नाम की कुछ कहानियाँ कुछ क्या है मुझे बताइए, क्या था वो शुरू में? क्या नाम तो उनका है सोनिया, मैंने इनका नाम रखा था ममता। जब मैंने ममता नाम रखा था, ये काफ़ी डिस्कस हुई पूरी इंडस्ट्री में और लोगों ने इसको साइन करना शुरू किया। जमात इस्लामी के कुछ लोगों ने मुखालफत की कि ममता नाम तो ये डर गई माँ बैठी हैं, और इन्होंने नाम चेंज करके सोनू रख लिया। मैंने जब ममता रखा था उस वक्त नूर साहब ने इनको अपनी फिल्म बिल्ली में लिया है, इन्होंने नाम सोनू अली कर लिया। अब इनको इतना अच्छा मौका मिला था, बिल्ली में बहुत बड़ा रोल था एहसन खान के साथ। अब देखो ना, इतना बड़ा डायरेक्टर आपको ले रहा है, उसके बाद आप अपने आप को सही अवेल ही ना करें, उस फायदा ही ना उठाएं, तो ये तो बदकिस्मती है ना। भाई देखो ना, नूर साहब ने चांस दिया है तो बिल्ली में, तो अगर उस चाहती तो उस फिल्म से कई फायदे उठा सकती थी, कई फिल्में साइन कर सकती थी, मगर नॉन सीरियस थी वो। कभी कराची, कभी लाहौर और कराची के चक्कर में बड़ा नुकसान किया सोनू ने, और कभी वो सीरियस होकर लगती थी कि जब टी वी की आर्टिस्ट बन गया, फिल्म विल्म वो बाहर में गई, फिर फिल्म अगर कर ली तो सीरियल। भैया अक्सर वो टिक के कहीं नहीं रही कि या तो टिक के कुछ करना चाहे ना, अभी आज बहुत जोश जज्बे से काम करेंगी, दो तीन महीने के बाद कहीं गायब हो जाएंगी, दो तीन साल के बाद फिर नमूदार होंगी, एक एक या तो आपको भी पता है कि वो एक एक ही गायब हो जाती हैं, एक एक ही दो तीन साल के बाद आपको भी फोन आता है, भाई कहाँ हो, जल्दी जाओ मैं आ गई लाहौर। तो ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ लाहौर की इंडस्ट्री यहाँ रहेंगी, काम करेंगे तो चलेंगे, आप यहाँ से गायब होंगे तो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो पहाड़ उजल, क्या लफ्ज है वो, क्या है वो मिसाल बताए ना मुझे ये बताइए, उन्हें तो आपसे भी बड़े शिकवे हैं। और माया सोनू खान कहती हैं कि मेरे साथ जरार साहब ने बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की हैं, कभी मुझे काम नहीं दिया, जब वक्त हुआ तो अपनी चहेतियों को प्यार से बुला लिया और मुझे हमेशा सिर्फ एक स्टपनी के तौर पर रखा है उन्होंने। इसके साथ साथ वो ये भी कहती भी पाई जाती हैं कि जनाब मैं उन लड़कियों में से रही हूँ जो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर काम नहीं करती, मैंने कभी गिव एंड टेक को जो है अपनी मंजिल के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने हमेशा साफ सुथरा और सीधा रास्ता अपनाया जिसकी वजह से लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया। बहुत सारे डायरेक्टर्स ने सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ दिया कि भाई मैं उनकी आरज़ू, उनकी ख्वाहिशात या रातों को रंगीन नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कभी सोनू आम आपके साथ काम करते तो बड़े बड़े। और अब मैं उस मकाम पर आ गई हूँ कि मुझे अपनी जो मंजिल है वो मिल गई है। ये कौन सी मंजिल है जिसको उन्होंने पा लिया है? हो सकता है वो मंजिल कोई शादी वादी कर ली हो, कुछ पता नहीं, क्योंकि कई दो चार साल से मैंने देखा नहीं उनको, कहाँ हो सकता है शादी वादी कर ली हो। यही होता है जब आदमी गायब हो जाता है, अब जैसे निर्मा गायब है तो ये कोई शादी कुछ तो हुआ, जब एक्ट्रेस गायब हो जाए तो उसका मतलब कुछ तो हुआ है ना, जो गायब हो गई है कहाँ गई है, तो ये कुछ ना कुछ तो होगा। बहरहाल सोनू को भी चांस बहुत अच्छे अच्छे मिले, टी वी सीरियल बड़े बड़े अच्छे मिले, वो ये ना कहें कि चांस दी दिए, इंडस्ट्री के लोगों ने भी चांस दिए, टी वी चैनल में भी चांस मिले, ए टी वी ए प्लस के ड्रामे काफ़ी मिले, पी टी वी उनको बहुत मिले। बात यह कि बात खुद सीरियस वो नहीं रही, क्योंकि वो टिक के रही नहीं है। अगर आप लाहौर आई तो फिर आप लाहौर की रहें, अब आए आप लाहौर में छः महीने एक साल के बाद आप फिर गायब हो गए, कराची चली गई, कराची रहें फिर ये गए कि फिर आपको कुछ बुखार चढ़ा था आप लाहौर आ गए, ये नहीं होता भाई। उन्होंने 15-20 साल कराची और लाहौर के इधर से उधर आने जाने में ही अपना ज़ाया कर लिया सब कुछ, तो लोग कब तक इस का ख्याल करेंगे आपका, चलो आगे चांस है चलो काम दे दो, एक तो बहुत बार बार नहीं होता वो। अब वैसे भी बहुत लड़के लड़कियाँ आ गए ना, अब इतने लड़के लड़के आ गए कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर का बहुत बड़ी चॉइस है इस वक्त कराची लाहौर में। अब वो ये नहीं कि यार उसको वो नहीं है तो कहते नहीं है कोई बात नहीं, इसको ले लो, बहुत है इस पर लड़के लड़कियों की कमी नहीं है। अच्छा सुना है फैसल कुरैशी साहब जो हैं वो तो अब इस हद तक फिरौन बन चुके हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता दिनों अपनी वालदा को भी घर से निकाल दिया, कुछ ऐसी बातें मीडिया में आई, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें वायरल हुई, तो क्या इसमें कोई हकीकत भी है या नहीं, बस लोगों ने अफवाह उड़ाई है? नहीं नहीं, ये तो खैर जाती की है, फैसल कुरैशी ने ये कमज़ोरी का सबूत दिया उसने, माँ बाप
अच्छे हैं बुरे ये अलग चैप्टर, मगर औलाद का फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, एहतराम करें। तवायफ़ों के तो बच्चे होते हैं, क्या वो अपनी माँ को निकाल देते हैं? तो एक आर्टिस्ट के तुम बच्चे हो, तुम एक आर्टिस्ट बाप के औलाद हो, तुम्हारा ताया ताई एक्ट्रेस है, तो आज तुम क्यों अपनी माँ से इतने पसंद हो गए? सिर्फ ये अपनी बीवी बीवियाँ आती ना, असल में जब बीवियाँ आती वो मिसगाइड करती, तो मर्द का फ़र्द है कि वो अपनी बीवी बीवी का जो हक है वो हकूक जो है वो अपने करें, अपने माँ बाप अपने बहन भाई के जो हकूक है वो रखें। ये नहीं होता कि अपने बीवियों के कहने पे आके अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों को घर से निकाल दें, ये बदकिस्मती हर उस इंसान के मर्द की बदकिस्मती जो अपने माँ बाप या बहन भाइयों को अपनी बीवियों की वजह से निकाल देते करते, ये बदकिस्मती होती है। और ये मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है जब अपने माँ बाप या बहन भाइयों को अपने घर से निकाल दें, अपने से दूर कर लें। मैं समझता हूँ दुनिया के बदकिस्मत लोग हैं जो अपने खूनी रिश्तों को पामाल करते हैं या अपने घर से निकाल देते हैं, वो मेरी नज़र में अच्छे इंसान नहीं हो सकते। अच्छा चलें, अब बातें तो बहुत सारी हुई और आपने अपने जो दिल के फकोले हैं वो भी बयान किए, तो कुछ चलते चलते जो इस गुज़िश्ता एक माह के दौरान हमारे चार बड़े फनकार इस दुनिया से रुखसत हो गए, दो पाकिस्तान के और दो इंडिया के, यानी असद बुखारी साहब हैं, इरफान खान साहब हैं, ऋषि कपूर हैं और उस्ताद फिदा हुसैन, तो कुछ इनके बारे में अपना इजहार ख्याल करें कि क्या नुकसान आप समझते हैं कि इन फनकारों के जाने से, या क्या थे ये फनकार, कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए। जी असद बुखारी साहब मैं समझता हूँ धमाल के मस्जिद हैं पाकिस्तान में, शहबाज़ कलंदर की धमाल को जिस तरह से वो अपनी दिलद सौदे आसिफ बिल्ला सारी फिल्मों में लाए हैं, वो जितना खूबसूरत से लाए और शहबाज़ कलंदर की धमाल से ही जितनी धमाल उनकी वजह से मशहूर हुई जो पूरे पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है, इंडिया के लोग भी बनाते हैं और वो गाते हैं। तो असद बुखारी साहब की उस्ताद फिदा साहब उनकी अपनी एक अहमियत है बहुत बड़ी। इरफान खान मैं समझता हूँ इस दौर का बहुत बड़ा स्टार था, और ऋषि कपूर और सुल्तान राय साहब, सुल्तान राय साहब एक्शन हीरो थे, ऋषि कपूर साहब रोमांटिक हीरो थे। 25 साल उन्होंने भी सिल्वर स्क्रीन के ऊपर बादशाहत की, और पाकिस्तान में सुल्तान राय साहब ने 25 साल तक बादशाहत की। मैं समझता हूँ ऋषि कपूर और सुल्तान राय दोनों 25 साल तक मुसलसल 25 साल तक बॉक्स ऑफिस के गॉडफादर थे, जिनका 25 साल कंटिन्यू फिल्मों ने बिजनेस किया है। बहरहाल ऋषि कपूर एक बहुत बड़ा स्टार था, और राज कपूर फैमिली का, कपूर फैमिली का बहुत बड़ा स्टार था। और मैं समझता हूँ जब राज कपूर साहब की मेरा नाम है जोकर फ्लॉप हुई है, वो तबाह बर्बाद हो गए थे, मगर जब बॉबी बनाई है ऋषि कपूर और डंपल कपाड़ियों को लेकर, बॉबी ने उनको उनके सारे कर्जे और आर के स्टूडियो जो गर्मी था सब कुछ छुड़ा दिया बॉबी ने, और उस दिन से जो ऋषि कपूर हिट हुआ फिर कंटिन्यू हिट हुआ, बड़े बड़े हीरो हीरोन आए मगर वो कंटिन्यू 25 साल तक मुसलसल हिट रहा है, ऐसे सुल्तान राय साहब मुसलसल हिट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं इन दोनों को अक्सर ये कहता हूँ कि दोनों बॉक्स ऑफिस के गॉडफादर हैं। बहरहाल ये चारों अपनी अपनी जगह बहुत बड़े स्टार थे, इंडिया को भी उनका दादी का खिलाफ पुरपुरा मुश्किल है, पाकिस्तान में भी बहुत मुश्किल है। असद बुखारी साहब अपने स्टाइल के अलग ही मुनफरद हीरो थे, फिर जब वो विलन बने तो वो भी एक अलग ही स्टाइल के विलन थे। मैं समझता हूँ विलन में जो पंजाबी फिल्म में मदर शाह और असद बुखारी साहब का स्टाइल था, किसी भी अभी जितने विलन आए आज तक वो ऐसे विलन पैदा ही नहीं हुए जो मदर शाह साहब और जो बड़क और इनका बोलने का स्टाइल था, अलग ही टेम्पो था माशाल्लाह से। मैं समझता हूँ पंजाबी फिल्म में असद बुखारी और मदर शाह जैसे विलन पैदा नहीं हो सकते, और अकमल जैसा कोई पंजाबी फिल्म का हीरो जो सही मानों में जट था, अकमल था, उस जैसा भी कोई स्क्रीन पर नहीं आया है जो पंजाबी फिल्म को लुक ही अलग होती थी। बहरहाल पंजाबी फिल्म को थोड़ा सा बिरादरीज़म की वजह से नुकसान हुआ है, अब बहरहाल चेंज होगा और हमको रिवाइवल पंजाबी सिनेमा के लिए स्टैंडर्ड की वो फिल्म बनाना पड़ेगी जो सिखों का पैटर्न है, उस पैटर्न के ऊपर उस स्टाइल की फिल्म, उस क्वालिटी वाली फिल्म बनाएंगे तो सिनेपैक सिनेमा फिल्म लगेगी और पाकिस्तान से बाहर भी हमारी लगेगी। हिंदुस्तान ने उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्म की पूरी दुनिया में मार्केट बना दी, अब पाकिस्तान के प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टर का फर्ज है कि वो इस मार्केट से अपना हिस्सा निकालें और अपनी फिल्मों को इतनी अच्छी बनाएं कि वहाँ अपनी भी मार्केट बना लें, और इससे हम कामयाब हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने स्टार मेकर जलाल रिज़वी साहब की बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारे अहम इंकशाफात किए, उन्होंने यकीनन आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा।
अपने होस्ट हसन अब्बास जैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।